आगरा में कुछ महीने पहले 11 वर्षीय बच्चे की मौत का मामला सामने आया था, जिसमें मृतक के पिता ने मुकदमा दर्ज कराने के लिए न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें नगर आयुक्त और अधिशासी अभियंता नगर निगम पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया गया था। वहीं इस संबंध में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें पुलिस अधीक्षक को एसपी स्तर के अधिकारियों से जांच करवाकर रिपोर्ट 22 नवंबर तक पेश करने की बात कही गई। फिर मैंने कही मैंने बच्चे को ले जाएंगे अब हम घर पे, तो फिर क्या आया बोले कि इसका ऐसा है, इसका पोस्टमार्टम होना जरूरी है, मुआवजा तुम्हें जब ही मिलेगा। मैंने मुआवजा मुझे नहीं चाहिए, तो फिर बोले कभी मुआवजा तुम्हें जब ही मिलेगा जब इसका पोस्टमार्टम हो जाएगा। तब इसके लिए आपने कोई कोर्ट में कोई एप्लीकेशन दी थी वकील के थ्रू कोर्ट में? उसी समय नहीं, बाद में या उस समय? हाँ, बाद में हमने कोर्ट उस वकील द्वारा हमने एप्लीकेशन लगाई थी। नगर निगम का वर्णन किया गया था, उसमें नगर निगम सफाई अफाई नहीं करा था नाले की, क्या होता है? नहीं नहीं, उसमें तो ये कही गई थी कि मैं पुलिया पैसे देर से आया। वकील साहब से ये बात हुई है कि उनने कही थी अभी कार्रवाई हो रही है, अभी मुआवजा वावजा की तो कोई बात ही नहीं हुई है। और जो कोर्ट में जो एप्लीकेशन डाली गई थी उसमें न्यायालय के द्वारा कुछ ऑर्डर किए गए? हाँ, ऑर्डर हुए हैं, जांच के ऑर्डर हुए हैं। देखो क्या छोटी बाउंड्री है, क्या है वहाँ। इसमें नगर निगम के अधिकारियों के भी नाम दिए गए हैं? नगर निगम की तो मुझे पता नहीं है, पर ये ऑर्डर हुए हैं इतना तो मुझे मालूम है। वकील साहब से सवेरे में बात हुई थी। जिस बच्चे की नाले में गिर करके मौत हुई थी, उसके फादर मेरे पास आए थे, उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे की ऐसी से मौत हो चुकी है और थाने वालों ने पोस्टमार्टम कराया है उसका, लेकिन अभी तक मेरी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। तब मेरे कनिष्ठ जो अधिवक्ता हैं उनके पास हुआ थे, तो उन्होंने कहा भैया आप देख लीजिए। हमने कोर्ट में 156(3)(CRPC) के अंतर्गत प्रार्थना पत्र दिया, वहाँ से आदेश हुआ पहले थाने के लिए कि सब आख्या मंगाई जाएगी। इस लेकिन उस समय स्पष्ट आख्या नहीं आई थी। फिर दोबारा जब बहस करी गई, साहब से कहा गया साहब ये जिम्मेदार हैं जो अधिकारी हैं, अधीक्षक अभियंता और नगर आयुक्त महोदय, ये आगरा के नगर निगम के जो अधिकारी हैं वो इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि नाली की रख रखाव की जिम्मेदारी उनकी है। तब सीजे महोदय ने SSP आगरा महोदय को आदेश किया कि अपने किसी SP स्तर के अधिकारी से इसकी जांच करा करके हमें 22 नवंबर तक आख्या भेजें।